बदनावर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर है, यहाँ बीजेपी से कांग्रेस में गए भंवर सिंह शेखावत की मार्कशीट पे पास की सील लगा दी है, इनको पास कर दिया है जनता ने भंवर सिंह शेखावत को। वहीं यहाँ से एक बड़ा नाम जो शिवराज मंत्रिमंडल के सदस्य थे, मंत्री थे, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, वे चुनाव हार गए हैं। बीजेपी की प्रचंड लहर में जो मंत्री जो विधायक चुनाव हारे हैं उनके बारे में पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि उनके काम किस तरह के थे कि उन्हें इस आंधी में भी हार का मुंह देखना पड़ा। भंवर सिंह शेखावत से बड़ा कड़ा मुकाबला माना जा रहा था राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का, और इस कड़े मुकाबले में कांग्रेस के भंवर सिंह शेखावत ने जीत दर्ज की है। भंवर सिंह शेखावत मूलतः भाजपा के हैं और उनको भाजपा से चुनाव लड़ने का तजुर्बा है, भाजपा के भीतर की रणनीति को जानते थे और इसी वजह से वो जीत गए हैं। भंवर सिंह शेखावत को 93,733 वोट मिले हैं, वहीं दत्ती गांव को 90,757 मतों से संतोष करना है। युवा नेता है राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, इनको लेकर पिछले बरस एक वीडियो काफी चर्चा में आया था जिसमें इन्हें लेकर एक टीवी चैनल से जुड़ी महिला तमाम सारी टिप्पणियां कर रही थी एक होटल में और वो वीडियो जम के वायरल हुआ था। उसके बाद साफ सफाई का दौर भी जारी हुआ लेकिन उस वीडियो ने दत्ती गांव की छवि को काफी ठेस पहुंचाई और इस प्रचंड बहुमत के दौर में बीजेपी के दत्ती गांव को चुनाव हारना पड़ा, कहीं ना कहीं उस वीडियो का उनकी हार में बड़ा अहम रोल है। बिल्कुल, भंवर सिंह शेखावत एक कद्दावर नेता हैं और जब ये भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तभी से माना जा रहा था कि इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और नतीजा ये साफ बता रहा है कि भंवर सिंह शेखावत ने कांग्रेस की उम्मीदों को पूरा किया और दत्ती गांव में शानदार जीत अर्जित की है। बदनावर सीट धार जिले की, जहां बीजेपी ऊपर नीचे होती रहती थी लेकिन बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहता था, लेकिन इस बार इस सीट पर दत्ती गांव को जीत हराया है, ये थोड़ा सा चौंकाता भी है लेकिन ये बीजेपी के लिए किसी सबक से भी कम नहीं है। बिल्कुल, ये देखना पड़ेगा कि दत्ती गांव एक युवा लीडर है, युवा नेता है और उनकी पैठ भी थी पर कहीं ना कहीं खासी कमी रह गई। एक समीक्षा बैठक करनी होगी, सोचना पड़ेगा, अपने हार के कारणों को जानना पड़ेगा। भंवर सिंह शेखावत ने ये बड़ी जीत अर्जित की। अभी तो बीजेपी क्या है कि जीत कुमारी में अलमस्त है, इसलिए उस हार की छोटी मोटी कुछ सीटों पे हार गई, उसे प्रचंड बहुमत मिला है तो वो ध्यान मुझे नहीं लगता देगी, लेकिन जब चिंतन मनन होगा तो दत्ती गांव के बारे में भी विचार किया जाएगा। सिंधिया के साथ ये भी बीजेपी में शामिल हो गए थे और जो स्थानीय बीजेपी के लोग हैं वो इनको पचा नहीं पा रहे थे, यही वजह है कि भंवर सिंह शेखावत जैसे व्यक्ति को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़ना पड़ा। तमाम सारी रोचक बातें अभी और भी हैं जो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे और आप इन बातों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको बस करना इतना है कि सोशल मीडिया पर अगर आप मोबाइल पे हैं तो दखल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी खबरों को शेयर कीजिए और देखते रहिए दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।